आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फाइलम मोलस्का। तो चलिए देखते हैं फाइलम मोलस्का के बारे में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम फाइलम मोलस्का के लक्षण, उसके सामान्य लक्षण, उसके विशिष्ट लक्षण, उसके एडवांस लक्षण, उनका वर्गीकरण तथा उनके एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करेंगे। फाइलम मोलस्का शब्द ग्रीक भाषा के मोलस्का शब्द से मिलकर बना है। फाइलम मोलस्का ग्रीक भाषा के शब्द मोलस्कस या मोलिटिस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सॉफ्ट, कोमल, अर्थात ऐसे जंतु जिनका शरीर कोमल होता है। इन जंतुओं का शरीर कोमल होता है तथा कोमल देह भित्ति के द्वारा श्रावित इस कोमल शरीर के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है और इसी आवरण को मेंटल कहा जाता है। और इस मेंटल के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट के कवच का श्रावण किया जाता है, अर्थात फाइलम मोलस्का के अंतर्गत उन जंतुओं को शामिल किया जाता है जिनका शरीर कोमल होता है तथा मेंटल द्वारा श्रावित कवच के अंदर बंद रहता है। ऐसे जंतु जो है फाइलम मोलस्का के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। फाइलम मोलस्का के सदस्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि यह दूसरा सबसे बड़ा संघ है, अर्थात सबसे बड़ा संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा है, और आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा संघ है वह संघ मोलस्का का आता है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा जातियों को शामिल किया गया है, जिनमें से वर्तमान में लगभग 80,000 से ज्यादा जातियां जीवित हैं, जबकि 35,000 से ज्यादा जातियां इसकी विलुप्त हो चुकी है। इस संघ का नाम 1650 में जॉनस्टन के द्वारा किया गया है। इस संघ का जो नामकरण है वह नामकरण 1650 में जॉनस्टन के द्वारा किया जाता है। फाइलम मोलस्का के सदस्यों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को मेलेकोलॉजी कहा जाता है। मोलस्का संघ के सदस्यों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को मेलेकोलॉजी कहा जाता है। चूंकि इस संघ के जंतुओं के चारों ओर कवच पाया जाता है अथवा कवचों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कॉन्कोलॉजी कहते हैं, उसको कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि फाइलम मोलस्का के जो सदस्य हैं उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं, उन पर हम बात करें। सामान्य तौर पर फाइलम मोलस्का के जो सदस्य हैं वो एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं, और स्वच्छ जलीय और मेराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। साथ ही यह नम चट्टानों में भी पाए जाते हैं और गीली मिट्टी में सुरंग बनाकर रहते हैं। दूसरे लक्षण की बात करें तो मैंने बहुत सारे लक्षणों को एक साथ यहां पर शामिल कर दिया है कि इन जंतुओं का जो शरीर है वह ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, त्रिस्तरी होता है, इनका शरीर कोमल होता है, खंड विहीन होता है, आंतरिक जो खंड जो है वो नहीं पाए जाते हैं, खंड विहीन होता है। साथ ही ये द्विपार्श्व सममित होते हैं और साथ में ये सीलोमेड भी पाए जाते हैं। यहां पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मोलस्का के कुछ सदस्य टॉर्सन लिए हुए होते हैं, एटन लिए हुए होते हैं। इन जंतुओं का जो शरीर है वो द्विपार्श्व सममित नहीं होता, क्योंकि उसे किसी भी एंगल से दो बराबर भागों में नहीं काटा जा सकता। तब ऐसी अवस्था में ये जंतु कैसे हो जाते हैं? असममित हो जाते हैं। यहां पर नीचे मैंने लिखा है कि अनेक जंतुओं का जो शरीर है ऐंठन के कारण कुंडलित हो जाता है, जिसके कारण इनकी जो सिमेट्री है वो कैसी हो जाती है? असममित हो जाती है। एक और चीज देखें, मैंने कहा कि ये सीलोमेट होते हैं, लेकिन फाइलम मोलस्का के जो सदस्य हैं उनमें सीलोम जो है वो न्यूनीकृत हो जाती है, जिसको हम सीडोसीलोम कहते हैं, और इसके अंदर हीमोलिप भर जाता है, अर्थात इसको जो है हीमोसील कहा जाता है। चलिए और आगे देखें इसके कैरेक्टर्स के बारे में कि इन जंतुओं के शरीर के चारों ओर एक पतला आवरण पाया जाता है जिसे मेंटल कहा जाता है। इन जंतुओं के शरीर के चारों ओर एक पतला आवरण पाया जाता है जिसे मेंटल कहते हैं, जिसके द्वारा कवच स्रावित होता है, और यह कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है,
जो शरीर के बाहर की ओर पाया जाता है, कभी कभी कुछ जंतुओं में शरीर के अंदर भी कवच पाया जाता है। इसके अलावा एक और लक्षण देखिए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इन जंतुओं में सिलोम कैसी होती है, न्यूनीकृत हो जाती है, रेड्यूस्ड हो जाती है। थायलम मोलस्का के सदस्यों का जो पाचन तंत्र है वो पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है और यू शेप्ड होता है, यू आकार का होता है। इन जंतुओं में भोजन को चबाने के लिए रेडुला पाया जाता है, इन जंतुओं में भोजन को चबाने के लिए रेडुला पाया जाता है, अर्थात रेडुला का पाया जाना इस जंतुओं की एक मुख्य विशेषताओं में शामिल है। इसके अलावा अन्य लक्षणों की बात करें तो इन जंतुओं का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वह विकसित होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र काफी विकसित होता है और इनके रक्त में हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण इनके ब्लड का रंग नीला, बैंगनी, रंगहीन या अन्य कलर का हो सकता है। यहां पर लिखा हुआ है कि ब्लड का जो रंग है हरा, लाल, नीला या रंगहीन हो सकता है। और लक्षणों की बात करें कि इन जंतुओं में जो रिस्पायरेशन की क्रिया है वो गिल्स के द्वारा होती है, पूर्ण विकसित गिल्स पाए जाते हैं। साथ ही कुछ जंतुओं में जो है लंग्स का प्रीकर्सर पल्मोनरी सेक पाया जाता है और इनके द्वारा जो है रिस्पायरेशन की क्रिया संपन्न होती है। जबकि एक्सक्रिएशन की अगर हम बात करें तो एक्सक्रिएशन के लिए इनमें मेटा नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, जंतुओं में एक्सक्रिएशन की क्रिया के लिए क्या पाए जाते हैं, मेटा नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। चलिए इसके अलावा एक महत्वपूर्ण लक्षण जो आप देखेंगे, जो मैंने सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि इन जंतुओं का जो शरीर है वो तीन भागों में बटा हुआ होता है, सिर, पाद और विसरल मांस। विसरल मांस अर्थात इन जंतुओं का शरीर कितने भागों में बटा हुआ है, तीन भागों में बटा है, सिर, हेड, फुट, पाद और तीसरा विसरल मांस। एक और लक्षण की बात करें तो इन जंतुओं में जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये एकलिंगी या द्विलिंगी हो सकते हैं। इनमें जो लार्वल अवस्था है वो ट्रोकोफोर, ग्लासोडियम और वेलिजर के रूप में हो सकते हैं। इनका याद रखिएगा कि इनका जो लार्वा है ट्रोकोफोर लार्वा हो सकता है, ग्लॉसिडियम लार्वा हो सकता है या वेलिजर लार्वा हो सकता है। चलिए हमने देखा कि फाइलम मोलस्का के जो सामान्य लक्षण है वो सामान्य लक्षण क्या है, अब हम जानते हैं कि इनके विशिष्ट लक्षण क्या है। अगर हम विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो इन्हीं सामान्य लक्षणों में से हम विशिष्ट लक्षण निकाले। तो सबसे पहला लक्षण देखिएगा कि इन जंतुओं का जो शरीर है, इन जंतुओं की जो बॉडी है वो तीन भागों में बटी है, हेड, फुट, यहां हेड, फुट और विसरल मांस। दूसरा, इन जंतुओं के सॉफ्ट बॉडी के चारों ओर मेंटल का पाया जाना इनकी एक मुख्य विशेषता है। तीसरी जो विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो इन जंतुओं में मेंटल के द्वारा श्रावित कवच का पाया जाना, मेंटल के द्वारा श्रावित कवच का पाया जाना जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, एक मुख्य विशेषता में शामिल। इसके अलावा एक और लक्षण की बात करें, मेंटल गुहा का पाया जाना, प्रावर का पाया जाना, प्रावर केविटी का पाया जाना एक मुख्य विशेषता में शामिल है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फाइलम मोलस्का के कौन कौन से विशेष लक्षण है। आइए चलिए अब हम देखते हैं फाइलम मोलस्का का वर्गीकरण। फाइलम मोलस्का का वर्गीकरण मुख्य रूप से सात वर्गों में किया गया है और ये सात वर्ग कौन कौन से हैं, मोनोप्लेकोफोरा, एप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, स्केफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पेलिसिपोडा और सिफेलोपोडा। तो इस प्रकार से इन सात वर्गों में इनको बांटा गया है। अब चलिए देखते हैं इन सात वर्गों के लक्षण और उनके उदाहरणों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इनका वर्गीकरण देखें। फाइलम मोलस्का के मैंने जैसा कि कहा कि फाइलम मोलस्का को सात वर्गों में बांटा गया है और इसका पहला वर्ग है मोनोप्लेकोफोरा। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक, अर्थात फाइलम मोलस्का के वे सदस्य जिनका शरीर केवल एक कवच के द्वारा ढका हुआ होता है
मोनोप्लेकोफोरा के अंतर्गत शामिल होते हैं। इन जंतुओं का जो शरीर है प्रावर तथा कवच के द्वारा ढका हुआ होता है, साथ ही ये द्विपार्श्व सममित होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे कि नियोपाइलिना। नियोपाइलिना के कुछ लक्षण एनिलिडा से मिलते हैं जबकि कुछ लक्षण जो है मोलस्का से मिलते हैं, इस कारण से इसे कनेक्टिव लिंक कहा गया है। यदि आपने मेरा कनेक्टिव लिंक का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देखिए और उसे जरूर देखिएगा। इसके बाद हम देखें दूसरा इसका वर्ग है एप्लेकोफोरा। एप्लेकोफोरा की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रावर है मेंटल जो है वो कैल्शियम से बने कंटिकाओं का बना होता है, कंटकों का बना हुआ होता है। साथ ही इसमें जो कवच है वो एब्सेंट होता है, जैसे कि न्यूमेनिया। तीसरा इसका वर्ग है पॉलीप्लेकोफोरा। पॉलीप्लेकोफोरा की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं ये डायग्राम काइटान का, और इस काइटान का जो शरीर है 8 कैल्केरियस प्लेट से मिलकर बना है, अर्थात पॉली मतलब बहुत सारे। तो इन जंतुओं का जो शरीर है वो 8 प्लेटों से मिलकर बना हुआ होता है, और इनका जो मेंटल है वो स्पाइनी होता है, कांटेदार होता है, जैसे कि काइटान। इसके बाद अगर हम देखें स्कैफोपोडा, स्कैफोपोडा की बात करें, स्कैफो का मतलब होता है बोट, बोट से, अर्थात ऐसे जंतु जिनका जो शरीर है, नलिकाकार होता है तथा जो मेंटल तथा कवच के द्वारा ढका हुआ होता है, स्कैफोफोडा के अंतर्गत शामिल होते हैं। साथ ही इनके जो दोनों सिरे हैं, वो ओपन होते हैं, जैसे कि डेंटेलियम। इसके बाद तीसरा इसका वर्ग देखे गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रो का मतलब होता है बेली या पेट, और पोड्स का मतलब होता है पाद, अर्थात पाद जो है, फूड जो है उसके बेली से जुड़े हुए होते हैं, पेट से जुड़े होते हैं। जिन जंतुओं को गैस्ट्रोपोडा में शामिल किया गया, इन जंतुओं का जो शरीर है वो टॉर्सन लिए हुए होता है, ऐंठन लिए होता है, और ऐंठन लिए होने के कारण इन जंतुओं का शरीर कैसा हो जाता है, कुंडलित हो जाता है और असममित हो जाता है। तो गैस्ट्रोपोडा के मुख्य लक्षणों में यहां इसमें टॉर्सन पाया जाता है, ऐंठन पाई जाती है, ये असममित प्रकार के होते हैं। साथ ही इनका जो शरीर है मेंटल में बंद होता है और कवच कुंडलित हो जाता है, जैसे कि पाइला। अब अगर मान के चलिए एक और वर्ग की बात करें, पैलेसीपोडा। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है यूनियों का। इन जंतुओं का जो शरीर है वो प्रावर द्वारा स्रावित दो कपाटों के अंदर बंद होता है, इस कारण से इस वर्ग के जंतुओं को बाइवाल्विया भी कहा जाता है, और दोनों कपाट आपस में एक संधि के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जिसको कब्जा संधि या हिंज संधि कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स में जैसा कि मैंने बताया यूनियो शामिल। इसके बाद जो अंतिम वर्ग है, अगर अंतिम वर्ग की बात करें तो सिफेलोपोडा। ये काफी इंटरेस्टिंग एनिमल है और इस संसार में पाए जाने वाले ऐसे एनिमल है जिन जंतुओं के सिर पर पैर पाए जाते हैं। भाई सिफेलो, सिफेलिक सबसे मिलकर बना है, सिफेलिक मतलब सिर और पोर्स मतलब पाद, अर्थात ऐसे जंतु जिनके पाद, जिनके फूट सिर के ऊपर पाए जाते हैं सिफेलोपोडा कहलाते हैं। अब यहां पर जो मैंने डायग्राम बनाया है वह है ऑक्टोपस का। आप देख रहे हैं कि ऑक्टोपस मतलब जिसमें 8 भुजाएं पाई जाती है, और ये 8 भुजाएं सिर के ऊपर स्थित है, इस कारण से इसको सिफेलोपोडा में शामिल किया गया है। इसके अन्य एग्जाम्पल्स में लोलिगो सीपिया शामिल है। एक अच्छी विशेषता इन जंतुओं की कि इन जंतुओं के शरीर में इंक ग्लैंड पाई जाती है। इंक ग्लैंड का पाया जाना भी सिफेलोपोडा की एक प्रमुख लक्षण है। तो इस प्रकार से आपने देखा फाइलम मोलस्का के लक्षणों सहित वर्गीकरण। मैं बहुत जल्द ही फाइलम मोलस्का से संबंधित एक अन्य वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसे हमने नाम दिया है ट्रिकी मोलस्का। तो
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।